चारू सोपा की 1.5 साल की बेटी जियाना पर उठ रहे ऐसे सवाल, सुष्मिता सेन की भाभी ने दिया ऐसे जवाब। मेरे अगने में फेम एक्ट्रेस चारू सोपा सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाली टीवी सेलेब्स में से एक है, जिनके ब्लॉग्स मिनटों में ही वायरल हो जाते हैं। अपने लाइफ से जुड़े हर अपडेट्स को फैंस के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलती। कभी कभी वो ट्रोलिंग का भी शिकार हो जाती है। इन दोनों सवाल उनकी बेटी जियाना सेन पर उठ रहे हैं, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अपने लेटेस्ट ब्लॉग के जरिए लोगों को जवाब भी दिया है। चारू सोपा ने पति राजीव सेन के साथ 1 नवंबर 2021 को एक बेटी का स्वागत किया, जिसका नाम जियाना है। चारू और राजीव की बेटी 1.5 साल की हो गई है। जियाना अपने क्यूटनेस के चलते लाखों दिलों पर राज करती है। राजीव और चारू के ब्लॉग्स में जियाना सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। हालांकि ब्लॉग्स में जियाना को ना बोलते हुए देख कई लोग एक्ट्रेस से इस बारे में सवाल भी करते हैं, जिस पर अब एक्ट्रेस ने जवाब भी दिया है। चारू सोपा ने यूट्यूब पर एक लेटेस्ट ब्लॉग शेयर किया है। ब्लॉग की स्टार्टिंग में जियाना को अपने मम्मी पापा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड बिताते हुए देखा जा सकता है। आखिर में जियाना के ना बोलने को लेकर सवाल करने वालों को चारू ने जवाब दिया। चारू ने कहा, बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि जियाना बात क्यों नहीं करती है, वो बोलती क्यों नहीं है। अरे आप लोग रिलैक्स करिए, हर बच्चा अलग होता है, हर मदरहुड अलग होता है। चारू ने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि जियाना कुछ भी बोलती नहीं है, वह मम्मा पापा सब बोलती है। मैं 24 घंटे में आपको कुछ मिनट दिखाती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी में सब बोले। मैं ऐसे टाइम पर शूट करती हूँ जहाँ पर मुझे उसका कोई काम नहीं करना पड़ता है। एक्ट्रेस ने बताया कि अभी वो फ्री है और पूरा टाइम जियाना को देती है। जियाना कुछ भी बोलती है या करती है तो वो एंजॉय करती है, उस टाइम वो उस मोमेंट को अपलोड नहीं कर पाती। चारू ने ये भी कहा कि उनकी बेटी बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो एक माइंड गेम भी खेलती है जिसे देख वो बहुत हैरान है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे किसी प्रेगनेंसी जर्नी सेम नहीं होती, वैसे ही मदरहुड भी सेम नहीं होता। वो अपनी बच्ची का ख्याल रखती है और हमेशा लोगों से सलाह लेती ही रहती है। भला आपका चारू सोपा की कही इन बातों पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।